में पाए जाने वाले जब भी अंतःस्रावी ग्रंथि की बात करेगा, हे भाव कोई बताएगा पीयूष को? पीयूष एक प्रवाची शब्द है, इसका अर्थ क्या होगा? पीयूष का बता दो, मैं मान जाऊंगा। पीयूष का मतलब? हाँ, तेरा मालूम है करवे का। पीयूष माना होता है अमृत। पीयूष माने याद कर लेना। अच्छा आ जाओ, पीयूष या पीट यूटरी ग्रंथि। आज पहले समझते हैं इसको, पीयूष ग्रंथि या इसी को हम लोग कहते हैं पीट यूटरी ग्रंथि। पीट, ए भाई देखिए, पहले हम बता देते हैं, इस ग्रंथि को हम लोग मास्टर ग्रंथि कहते हैं। कल क्वेश्चन अगर दे दिया जाए कि किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहेंगे, अरे पी से पापा, पी से मास्टर, पापा क्योंकि ग्रंथि, ये जो पीयूष ग्रंथि होती है, जितने तुम्हारे शरीर के अंदर ग्रंथियां पाई जाती है, सबका देख रेख करती है, सबका नियंत्रित करती है, नियंत्रण करती है, इसलिए इसको कौन सी ग्रंथि कहते हैं? अच्छा, ये ग्रंथि जो होती है अग्र मस्तिष्क में पाई जाती है। ये अग्र मस्तिष्क का पढ़ कहता है अग्र मस्तिष्क के बारे में, कौन मस्तिष्क में पाया जाता है? अच्छा, आपको बता दें कि ये जो होता है ग्रंथि पिट्यूटरीन, ऑक्सीटोसिन, वैसोप्रेसिन, सोमैटोट्रोपिक इत्यादि हार्मोन्स को स्रावित करती है। जो पीयूष ग्रंथि होती है ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स को स्रावित करती है, और ये हार्मोन्स बच्चे के जन्म के समय गर्भाशय के पेशियों में संकुचन को प्रेरित करके प्रसव पीड़ा उत्पन्न करता है। याद रखना, पीयूष ग्रंथि मस्तिष्क में होती है ना, ए यहाँ सीधा बैठो, तो एक हार्मोन्स का स्रावन कर स्रावित करते हैं जिसका नाम होता है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन मेहरारू के जब बच्चा होने वाला होता है तो यही ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स शरीर के अंदर कम होता है। सुन भाई, लेते जान रहे तब, ऑक्सीटोसिन जो होता है शरीर के अंदर प्रसव प्रसव मन प्रेशर बनाता है, दर्द उठाता है। जौना स्त्री के दगा बच्चा कब होता है? सरकार के नियम अनुसार, वैज्ञानिक के नियम अनुसार 9 महीना 7 दिन के बाद बच्चा हो जाना चाहिए। 270+7 माने 280 या 285 के बीच दिन में बच्चा हो जाना चाहिए। तब बच्चा कब होगा? जब दर्द होगा। इतना भक्त निकल जाए ना, दर्द हो आओ। दर्द को कौन उत्पन्न करने वाला हार्मोन्स है? ऑक्सीटोसिन। क्या नाम है उसका? नहीं दर्द होगा, ऑक्सीटोसिन कम हो जाएगा तो दर्द नहीं होगा। टोसिन, दर्द कम हो जाएगा या दर्द नहीं उत्पन्न होगा, तो जब दर्द नहीं उत्पन्न होगा तो लड़का नहीं होगा, तब पेट चिराई, दर्द ना हो तो चिराई। आप अपने पत्नी को खूब खिलाइएगा, खूब खिलवाइएगा, और तनिक चल माने चलने के लिए, पहले के औरतें थी तो तनिक कामों करती थी, तो एवरा कुछ ना, अरे धनकुटी मशीन घर में आ गया है, आटा पीसने वाला मशीन घर में बैठा लिया, दहेज में सब मिल जाएगा, चिंता मत करो, सब मिल जाएगा दहेज में। ना कहीं जाना है, ना कहीं आना है, सिर्फ दिन में बैठे रहना है, दिन में बैठ करके मीटिंग करना है, बस पलंग पर दिन भर सोए रहना है। जब वर्क नहीं होगा तो कैसे काम होने वाला? तो ऑक्सीटोसिन जो होता है दर्द उत्पन्न करता है, जब दर्द उत्पन्न करता है तो क्या उत्पन्न होता है? बच्चा उत्पन्न होता है। ऑक्सीटोसिन कौन हार्मोन स्रावित करता है? अरे यार पीयूष ग्रंथि ग्रंथि। अच्छा देखो, एक और हार्मोन्स होता है एंटी डाययूरेटिक हार्मोन्स, ADH। ADH नाम होगा एंटी डाययूरेटिक हार्मोन्स। ये जानते हो क्या होता है? हमारे नलिकाएं में जब जल की मात्रा कम होती है तो उसको बढ़ाने का काम करता है, इस प्रकार मूत्र को भी नियंत्रित करता है। क्या क्या समझे? अपना मन से लिख लेंगे पीयूष, सुन लीजिए क्या क्या लिखेंगे। पीयूष ग्रंथि कहाँ पाया जाता है? अग्र मस्तिष्क में।
पीयूष ग्रंथि जितने भी ग्रंथि होती है उसका क्या करता है, इसलिए पीयूष ग्रंथि को कौन ग्रंथि कहते हैं, पीयूष ग्रंथि एक हार्मोन स्रावित करता है, क्या नाम है, ऑक्सीटोसिन। ये क्या करता है, बच्चा के जन्म के समय शरीर के अंदर उत्तेजना पैदा करता है, शरीर के अंदर दर्द उत्पन्न करता है, जिससे बच्चा आसानी से क्या हो जाए। ये कौन स्रावित करता है, पीयूष ग्रंथि। और पीयूष ग्रंथि शरीर के जो नलिकाएं होती है, जब इसमें जल की मात्रा कम होता है तो उसको भी, मैंने देखो इसमें क्वेश्चन आई बहुत इंपॉर्टेंट बनता है, कई बार बोर्ड में पूछता है कि पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि क्यों कहते हैं, याद है तुम्हारा, खड़ा हो तो आकाश प्रजापति वाली स्टैंड अप एंड व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द पीयूष ग्रंथि एंड व्हाई आर यू कॉल्ड द मास्टर ग्रंथि या पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है, ये हमारे अंदर जितने भी ग्रंथियां पाई जाती हैं उनको नियंत्रण करता है, इन जब नलिकाओं में जल की कमी है तो उसको बढ़ाने का कार्य करता है। हाँ, ये तो बात सही बोल रहा हो, तो बैठा का कहिए लिख रही कहा करा के लिख लो, तली एक लाइन में पीयूष ग्रंथि, ये तो लिख तो लोगे यार, अब आते हैं दूसरा का खाली हेडिंग बनाते रहिएगा, हे बाबू थायराइड ग्रंथि, कौन ग्रंथि, अच्छा इसे कौन हार्मोन से निकलता है, याद है किसी को, थायरॉक्सिन हार्मोन्स, कहा नाम होगा इसका, थायरॉक्सिन हार्मोन्स। अब सुन लो, पीयूष ग्रंथि से वही तो कौन हार्मोन, ऑक्सीटोसिन है, ऑक्सीटोसिन। अरे आराम से बात करो, इतना तेज बोलते हो पूरा वीडियो में आता है, कोई सुनेगा तो क्या कहेगा। हाँ हाई, देखिए जॉन थायराइड ग्रंथि होता है कहाँ पाया जाता है, गले में, कहाँ पाया जाता है, सुनो ना यार, अरे देखो तो कहाँ हो गया, आदमी धस जाता है बेंच कौन बड़ी बात है, घर धस जाता भूकंप आ रहा है तो कौन बेंच बड़ी बात है, तो थायराइड ग्रंथि कहाँ पाया जाता है, गर्दन में, क्या कहता है, गला में, कहो यार कहाँ पाया जाता है, आ सुन लो इससे कौन सा हार्मोन निकलता है, थायरॉक्सिन। आ सुन लो, जब गला में थायरॉक्सिन की कमी हो जाती है तो कौन रोग होता है, होई होई निकल जाता है। हालांकि अब घेंगा किसी को हो नहीं रहा है, सरकार ने इतना अच्छा काम कर दिया कि आयोडीन युक्त नमक को बना दिया, नमक खाइए शरीर में आयोडीन की कमी नहीं होगी, घेंगा रोग कभी हो ही नहीं सकता, पहले के लोगों को होता, तब किसी को होता है, देखते हैं आप, देखे हैं पहले के लोग को हुआ होगा किसी को, नया हुआ है क्या किसी का, अरे अब तो आयोडीन युक्त इतना सामान आ गया है, आप चिप्स खाते हैं, चिप्स नहीं है, उसमें प्रोटीन की मात्रा भी उपस्थित होता है, बहुत फायदेमंद चीज़ होता है, समझ रहे हो, जितना आप समझो कि इसके दुकान में बेचा था सब फायदेमंद चीज जान जाओ। चलो याद हो गया, थायराइड ग्रंथि से इस बताओ एक कमी से कौन रोग होगा, एक घेगा तू काहे इतना फूला है, तो घेगा कहता है तू फूला वालो बड़े तो फूल बात होता है। आवाज ये नेक्स्ट है, याद करते ना कौन हार्मोन से निकलता है, तीसरा कहा पैरा थायराइड ग्रंथि। अगर आपको दिक्कत होगा लिखने में तो मोबाइल चालू कर लीजिएगा, सुन लीजिएगा, पैरा थाई आखिर इसमें बोला ही जा रहा है ना, पैरा थायराइड ग्रंथि। अच्छा ठीक है, पैरा थायराइड ग्रंथि क्या होता है, ये भी कहाँ पाया जाता है, गला में, रुक जाइए मैं ये भी तो नहीं लिख देता हूँ कहाँ पाया जाता है कि आप भुलाएंगे, गला में पाया जाता है, गला कहाँ है, पैर के नीचे, हाँ वच के ऊपर होता है। अच्छा सुन लो, इससे जो हार्मोन्स निकलता है उसका नाम होता है, जानते हो क्या, उसका नाम होता है पैराथार्मोन, इससे जो हार्मोन्स निकलता है उसका नाम होता है, हे पैराथार्मोन आ रहा है लेकर के बाबा के मजार का सुरमा, ये जो सुरमा लगाएगा उसके आंखें ऐश्वर्या राय के आंखें की तरह दिखाई देगी,
आई का करता है, जौने निकलता है, हड्डी और दांत के निर्माण करता है। हड्डी हुआ, दांत हुआ, ब्लड हुआ, कौन बनाता है? तो पैराथायराइड ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? गला में। कौन सा हार्मोन निकलता है? पैराथार्मोन। पैरा ये गला में, लेकिन हड्डी के बनाने में, दांत के बनाने में, रक्त के बनाने में बहुत बहुत योगदान देता है। बस समझ रहे हैं? आगे बढ़े क्या हम लोग? और सुनिए, बड़ा अच्छा नाम आ रहा है भाई, उसका नाम है एड्रिनल ग्रंथि। चौथा का नाम है, हे बाबू एड्रिनल ग्रंथि आ जाइए। ये ब्रिक के पास पाया जाता है। ब्रिक माने, अरे कहाँ पाया जाता है? ब्रिक के पास। ब्रिक माने जानते हो ना? अरे किडनी, किडनी कहते हैं यहाँ। ब्रिक के पास पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? ब्रिक के पास पाया जाता है। ऐसे जो हार्मोन से निकलता है उसका नाम होता है पिनोफ्रिन। इससे जो हार्मोन से निकलेगा क्या नाम होगा? एपिनोफ्रिन। एपिनेफ्रिन। एपिनेफ्रिन। आज जानते हो शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को नियंत्रित करता है। कोलेस्ट्रॉल जानते हो ना, बढ़ जाता है तो आप चल नहीं पाएंगे। कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करता है, नियंत्रित करता है। अब आ जाइए बाबू पांच नंबर पर, पीनियल का थायराइड ग्रंथि तो हो ही गया है भाई। तो न्याज भाई जरूरी भाई बाबू, जनन ग्रंथि। कौन ग्रंथि? जनन ग्रंथि। अलग हम बहुत अच्छा से पढ़ाए, चलो ये क्यों खोजे नहीं? हाँ, जनन ग्रंथि में क्या कहेंगे भाई? गुली साला पकड़ो लो भाई। आया ठीक है, प्लस पढ़ लेते थे। जनन ग्रंथि का मतलब है कि जौना से जनन कैला करते हैं तो ग्रंथि जो उपयोग होती है जनन ग्रंथि। तुम्हारे पास क्या है? पुरुष के पास वृषण है कि अंडाशय है? कहते दोनों है, वृषण है। क्या है? आ सुन लो, वृषण में दो प्रकार के हार्मोन्स पाया जाता है। एक होता है टेस्टोस्टेरॉन, एक होता है एंडोस्टेरॉन। ये ना रहीनू हैंग है करोगे कहेंगे होंगे होंगे। चलो लिख लो, जाना चाहती हूँ। पहला लिख रहे ना वृषण, वृषण। वृषण अंग्रेजी में क्या कहते हैं? वृषण अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? ट्यूब, ट्यूब कहा जाता है। अच्छा कहाँ पाया जाता है वृषण? नर में कि मादा में? नर में। आज विश्वास वृषण में वृषण नर में पाया जाता है कि मादा में? नर में। हाँ तो नर में कि मादा? नर नहीं है, नर में पुरुष होता है। लिख लेना कि यह हाँ पुरुष में पाया जाता है। यह पुरुष में, इसमें दो हार्मोन्स कौन कौन? अबे भुला गया सन, टेस्टोस्टेरॉन। टेस्टो एगो ही निकलता है और दूसरा का निकलता है एंड्रोजन। चलिए एंड्रोजन जो बचा कल हम लोग पढ़ेंगे, बच्चे आ गए होंगे शायद। एंड्रोजन तू तो बैठे हुए देखा तरी कब छुट्टी हुई। एंड्रोजन पाया जाता है, पाया जाता। अच्छा ये काम क्या करता है मालूम है? शुक्राणुओं का पोषण देता है। ना रही नो खत्म जिंदगी। चलिए वृषण लिख लीजिए। कल हम स्त्री में कौन कौन हार्मोन्स पाए जाते हैं उसके बारे में बताएंगे। बहुत ऐसे स्त्रियां होती हैं जिसमें दारू का समय से निर्माण नहीं हो पाता है तो बच्चा उत्पन्न नहीं कर पाती। ठीक है।